हेलो मित्रों, कैसे हैं हम सभी। और मैं आपके लिए आज इंग्लिश का इंटरमीडिएट का पेपर, उसका पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक ही क्वेश्चन का मैंने इसमें आपको सोल्यूशन बताया है, चाहे आपके एंटोनियम हो, सिनोनियम्स हो, कुछ भी हो। स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन विद रेफरेंस द कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो आपका जो सेकेंड वाला पैसेज है, इसमें आप फेलो ट्रेवलर से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं आपके, वो एजी गार्डनर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग टाइप के। देखिए, यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। देखिए, द एवरेज, तो यहाँ पे आपका अनस्केल्ड आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ये जो लग रहा है। और आपका दूसरा बी वाला जो है वो आपका, इसमें आपका रेस्ट एंड आ जाएगा, यानी ये रेस्ट एंड इसमें फिल कर दिया जाएगा। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सी वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे आपका ब्रिंग आ जाएगा, ये ब्रिंग आ जाएगा। और डी वाले पे देखें तो आपका ये वाला, आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन, ये स्ट्रेस्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में, यहाँ पे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इसमें आपकी ये पोइम दे रखी है, ये जो पहली वाली पोइम है आपकी, जो ट्रिब्यूटरी से ली गई है, थॉमस कैरू ने आप इसके जो पोइट हैं। और देखिए, ये सेकेंड वाली जो है आपकी, लेट आईज ग्रो ड्यूमैन ईयर्स ग्रो, तो ये आपकी द सॉन्ग ऑफ द फ्री से लिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी इसके क्या है, पोइट हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, माई हेवन फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर, स्टॉपिंग बाई वोट्स ऑन द स्नो इवनिंग। देखिए, इसमें से पूछा गया तीन, और देखिए ये आपके जो हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरॉन और अपोस्ट्रोफी हैं। इसके भी आंसर मैं आपको बुक में दिखाई दे रहा हूँ, बुक में ही हैं इसके। देखिए ये जो है आपका एपोस्ट्रोफी है, और इसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनली फाइड ऑब्जेक्ट ऑफ और आइडिया। तो इसके ये देखिए हैं ओ डेथ, इसमें सब में आपको इस तरीके से एग्जांपल मिल जाएंगे। ऑक्सीमोरॉन का देख लीजिए, ये रहा ऑक्सीमोरॉन का, ये आपके सामने ऑक्सीमोरॉन का है, इसकी डेफिनेशन है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट वाला है जो पूछा गया, ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच बर्ड इज द साउंड, मतलब साउंड से ही हम इसे पहचान, द स्नैक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर वजिंग, मतलब कि, और ये सारे इस तरीके से सारे इसमें क्या है, इसके आंसर होंगे। उसके बाद में देखिए अगला सेक्शन बी देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द स्पीच। ठीक है, तो ही सैड, इसमें देखिए इसका क्या बनेगा, ही सैड डैट गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स, इसका बन गया। सेकेंड वाले क्या देखिए बनेगा आपका, ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग एगो। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है बी वाला, क्या पूछा, कंबाइन एन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। देखिए इसका क्या है, आपको डायरेक्ट बताना गया, डायरेक्टेड बताया गया, ही ग्रेव इसे ही ग्रेव लिखा है, इसकी ये बनेगा ही ग्रेव देम हिज एडवाइज लिवरली। ठीक है, इसका ये बन जाएगा आपका। उसके बाद में दूसरे वाला देखिए, इसको सिंपल बना दिया, इसको आप देखिए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया गया, तो इस वाले सेंटेंस को कैसे, ध्यान से देखना आपको, इस देखिए ये है ही सीन्ड नॉट बी हैव सीन वन बिफोर ही कंटिन्यूज्ड स्टारिंग एट द एलिफेंट, तो इसका ये सही बन जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। देखिए इसमें दिया है आपके, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम distel। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका। सेकेंड वाले का देखिए आप, इसका ये बनेगा, इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, या इसका ये भी बन सकता है, अलास ही डाइड सो यंग। उसके बाद में करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें देखिए आप, इसका ये जो है यहाँ पे सिर्फ जो बर दिया है इसका वॉज हो जाएगा, और इसमें देखिए इस वाले में जो आपका Nobody likes such man की जगह पे M यानी ये वाला man हो जाएगा, एक सिंगल वाला। ठीक है, इसका सही हो गया। उसके बाद में आप इस कर लिए होगी, देखिए इसमें देखिए
इसका जो आपको बताएं ये आपसे इडियम ऑफ फ्रेसेस पूछे गए हैं। ओवर एंड अबव का होता है अतिरिक्त या बिसाइड का, बिसाइड इसका हो जाएगा। बाकी अपने आप से आप सेंटेंस में इसको प्रयोग कीजिए। ये इसका जो फॉल फ्लैट होता है इसका मतलब ये प्रभावशील होता है। अपने आप इसे हम अपने हिसाब से इसे सेंटेंस में कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का होता है ईमानदार, ठीक है। होल एंड कॉर्न का होता है गुप्त नीति। अब बोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो होता है झगड़े की जड़। तो इस तरीके से आप इनको देखिए। अब देखिए आप यहाँ सिनोनियम्स देख लीजिए ध्यान से। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसका आउटलाइन या कंक्रीट होता है। ऑफन का रियरली होता है, और भी होते हैं इनके, स्मूथ का रफ होता है। सिनोनियम्स देख लीजिए, रेस्टलेस ईगर का होता है, उसके बाद में स्प्लिट का मैलिक होता है, मैलियस या जो भी आप बोलें। उसके बाद में जो आपका ये लिखा हुआ है इसका होता है सम अप, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे लिए पूछा गया है। तो इसका इमिग्रेंट आएगा पहले वाले का, दूसरे वाले का रेस्कल आएगा, उस तीसरे वाले का हार्ट टू पीस का इसका जो होता है वो फेस्टिडियस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है आपसे। हिंदी देखिए होमोफोन्स का है, ये जो आपका पोर्शन है इसमें आपसे होमोफोन्स पूछे गए हैं। सीज और सीज का पूछा गया है। तो सीज का मतलब होता है रुकना, द रैन हैज सीज नाउ, मतलब कि अभी बारिश रुक गई। उसके बाद में इस वाली सीज का जो मतलब अधिकार करना, जैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइट द इनेमी और सीज द टाउन, मतलब उन्होंने जीत लिया उसे, ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पे स्टोरी बनवाई गई है आपसे और इस पे आ जाइए। देखिए स्टोरी बनवाई गई है इसकी। इसके बाद में आपसे ये अथवा में है, देखिए राइट एनी राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो ये आपसे ग्लोबल वार्मिंग पे देखिए कितना आसान पूछ लिया गया है, ठीक है। आइडल नेशनलिज्म, अवर हेरिटेज है, तो इस तरीके से आपसे ये पूछे गए हैं। तो मित्रों ये था हमारा आज का वीडियो, इंग्लिश का सॉल्व पेपर। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।